अलार इस्तेमाल फैसलाबाद की तजीन व आराइश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, अलार अस्पताल में होंगे तरक्याती काम, शहरियों को मिलेगा साफ सुथरा माहौल। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का अजलास। अलार अस्पताल फैसलाबाद की तजीन और आयश के लिए 1 अरब 36 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर, हेल्थ सेक्टर की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए। उधर निगरान हुकूमत के जंग में सेहत मंसूबों पर अहम पेशरफ, डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में वार्ड की बहाली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। अस्पताल इंतजामिया और ठेकेदार को गुलाम नबी ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी मुकम्मल करने के लिए 1.5 माह का वक्त दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी के जेरे इस्तेदार अजलास में सेहत मंसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS DHQ डॉक्टर शहबाब आलम ने ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर ने गुलाम नबी ब्लॉक को 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी का काम 1.5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मर्दाना और जनाना सर्जिकल वार्ड बहाली के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चिल्ड्रन वार्ड को जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया जाए।